अपना तो ये ड्यूएल स्टार्टर सबसे पहला जो स्टार्टर है अपना DOL होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन, जो सबसे अधिक काम में आता है ना। तो आपको ये इसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, साथ में अपन प्रैक्टिकल देखते भी हैं। तो सर्किट का और प्रैक्टिकल का दोनों की तुलना करें और इसको 2-3 बार देखेंगे तो अपने आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो DOL स्टार्टर के अंदर होता है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर में जैसे एक मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं तीन, तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गए, इसके साथ ये फिक्स कॉन्टैक्ट हो गए। ऐसे ही आपके ये तीन मूविंग कॉन्टैक्ट हैं और ये ऐसे ही तीन आपके फिक्स कॉन्टैक्ट हैं। ये आपके तीन फिक्स कॉन्टैक्ट हो गए, ये तीनों आपके ये फिक्स कॉन्टैक्ट हैं और ये आपके मूविंग कॉन्टैक्ट हैं। तो ये तो आपका कॉन्टैक्टर हो गया। सबसे पहला काम आपको एक कॉन्टैक्टर आपको बनाना है और इसके साथ रिले लगती हैं। तो रिले का जो इंडिकेशन है कि इस प्रकार से आपके ये रेजिस्टेंस तीन कॉइलें हैं, ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले हैं। ऐसे तीन समान आपके ये कॉइलें बना दो, ठीक है। अब ये जो वायरिंग आपकी है ये पावर वायरिंग कहलाती है और साथ में एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होगा, वो भी मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहलाएगा। आपके पास में ये पावर वायरिंग तीन तार सीधे यहाँ तो जोड़ेंगे आपके L1, L2, L3, line 1, line 2 और line 3 सप्लाई के सिरे ये आ गए और तीन ओवरलोड कॉइलों से होकर के ना आगे जा रहे हैं और आउटपुट के जो सिरे हैं ये तीनों आपके यहाँ आपके थ्री फेज की ये मोटर लग गई जो 5 HP से कम हॉर्स पावर की है। तो ये थ्री फेज की मोटर, अब इसके साथ क्या रहेगा, ये कॉन्टैक्टर है, इसके साथ एक तो NVC कॉइल होगी। अब NVC कॉइल का ये तो मैं सिंबल इस प्रकार से भी बना रहा हूँ, ये NVC कॉइल, कभी कभी इस NVC नो वोल्ट कॉइल, अब कभी कभी जो NVC का सिंबल ये इस प्रकार से भी बना के देते हैं, कहीं कहीं डायग्राम के अंदर NVC कॉइल इस प्रकार से भी होगी। तो ये कैसा भी सिंबल हो आपको समझना है कि ये NVC कॉइल यहाँ दे रखी है। कुल मिलाकर के आपको सर्किट डायग्राम समझना है, NVC कॉइल के कनेक्शन किस प्रकार से किए गए हैं और साथ में एक ऑन ऑफ पुश बटन रहेंगे, ऑफ पुश बटन रहेगा, जो ऑफ पुश बटन तो इसमें जो लाइन है वो ऊपर की ओर मिली हुई रहेगी ताकि आपको ये प्रेस करने पर कॉन्टैक्ट हट जाए। ये ऑफ पुश बटन होगा ऑफ का और ऑन वाला होगा जिसमें दोनों कॉन्टैक्ट दूर रहेंगे और ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज, ऑफ वाला होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है। एक इसके साथ ओवरलोड के साथ एक ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट होता है ऐसे, जो सामान्य अवस्था में जुड़ा रहेगा, ओवरलोड होने पर इसको ट्रिप कर देवे, तो ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट हो गया। ये चीजें सब रहेगी, ये ओवरलोड ओवरलोड रिले, ये आपका हो गया कॉन्टैक्टर और ये मोटर हो गई और ये NVC कॉइल है, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसके साथ अतिरिक्त है। तो तीन कॉन्टैक्ट तो ये पावर के हो गए। अब इनका जो वायरिंग डायग्राम, ये जो डायग्राम आपने किया है सीधा से सप्लाई आई है, ओवरलोड कॉइल में गई, वहाँ सीधे ये पावर आ गई आपकी ये कॉन्टैक्टर में और यहाँ से तीन तार सीधे मोटर में चले गए, तो ये तो हो गया आपकी पावर वायरिंग, इसको बोलते हैं पावर वायरिंग, थ्री फेज की पावर है, सीधी सीधी चली गई। इसके साथ एक होती है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में हम क्या करते हैं कि इस कॉइल को कंट्रोल करना है, हमें इस कॉइल को नियंत्रण करना है। कॉइल आपके 440 वोल्ट की है, 440 वोल्ट की कॉइल अभी फिलहाल अपन काम में ले रहे हैं, आवश्यकता होने पर इसको कम ज़्यादा भी
कर सकते हैं, अगर 220 किलो तो पूरा कंट्रोल सिस्टम एक ट्रांसफार्मर लगा के 220 का लेकर के नहीं, इसको कॉइल को ही कंट्रोल कर दो तो थ्री फेज सप्लाई आपकी कंट्रोल होती रहेगी। अभी जो सामान्य अवस्था में जो स्टार्टर काम में ले रहे हैं उसमें 440 की है कॉइल है, एक फेज तो हम सीधा 440 वोल्ट हमारे कहाँ मिलेंगे, दो फेजों के बीच में, दो फेजों के बीच में नापते हैं 440 वोल्ट होते हैं। एक फेज से जैसे ही निकला है वो सीधा एनवीसी कॉइल को दे दिया हमने, ठीक है याद रह जाएगा। ड्यूल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम आपको याद करना है तो एक फेज सीधा एनवीसी कॉइल को जा रहा है, ये ध्यान में रख लेना। दूसरा फेज जो निकलेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट यूं ले लेते हैं, दो फेज देने हैं कॉइल को, दूसरा फेज जैसे ही निकलेगा ना वो कंट्रोल वायरिंग ये निकल करके सीधा ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट में जाएगा, ये क्रम आपको याद रखना है। ओवरलोड से जैसे ही निकला बाहर वो सीधा जाएगा आपके ऑफ पुश बटन में, ओवरलोड से निकला ऑफ में गया, ऑफ से निकल के ऑन में, और ऑन का जो निकलेगा वो आपके ये एनवीसी कॉइल में जाएगा। तो ये एक क्रम हो गया आपका कि एक फेज तो सीधा दे दिया कॉइल में, दूसरा जो निकला है वो सीधा ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट, OLTC ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट, जो ट्रिप करने वाला कॉन्टैक्ट है वहां पर जाएगा, वहां से दूसरा जो पॉइंट होगा वहां से निकलने वाला निकलेगा, ऑफ में जाएगा, ऑफ से निकल के ऑन में, ऑन से निकल करके एनवीसी कॉइल में। तो जैसे ही अब एक फेज तो सीधा इसमें जा ही रहा है, दूसरा वाला फेज कहाँ आया ये देखो आप, इसको ट्रेस करते जाओ, यहाँ आया सप्लाई, यहाँ आई, यहाँ से आकर के नहीं, यहाँ से तो ये पॉइंट मिला हुआ है आगे। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो वोल्टेज हमारे दूसरे वोल्ट दूसरा वाला फेज इसमें चला गया, तो एनवीसी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, इसमें मैग्नेट बन जाएगा और इसको खींच लेगा, तो सप्लाई हमारे तीनों फेज आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही अपन हाथ हटाएंगे तो ये वापस अलग हो जाएगा। इसको फिर परमानेंट चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों के पैरेलल में ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। अब एक्सिलरी का काम क्या हो गया, जब पुश बटन दबाते हैं तब तो ये काम कर लेगा कॉइल, और हाथ हटा लें और उसके बाद भी सप्लाई मिलती रहे और स्टार्टर चालू रहे, इसके लिए ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट काम आता है। तब इस एक्सिलरी के दोनों पॉइंटों की जो वायरिंग है इस ऑन पुश बटन के पैरेलल में, इसके पैरेलल में आपको करना है, इसके पैरेलल में मतलब एक पॉइंट ये जैसे निकला है ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ आ गया ये, और दूसरा वाला जो आया ये हो गया, तो ऑन पुश बटन के पैरेलल में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया। अब आप शुरू में सप्लाई जैसे आ रही है, एक फेज पहुंच ही गया, जैसे ही यहां तक सप्लाई आ गई दबाया ऑन हुआ ये, इसके साथ साथ ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी ऑन हो गया। तो जैसे आप बाद में हाथ हटा लेते हैं तो करंट हमारी यहां से इस एक्सिलरी में से होकर के और फिर कॉइल को मिलती रहती है, जब तक सप्लाई आती रहेगी, जब तक मिलती रहेगी। जैसे सप्लाई इसको बंद करना है, जैसे आपने ऑफ कर दिया, इस कॉइल के सप्लाई को काट दिया तो स्टार्टर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो ये और ओवरलोड होने पर ये यहां पर ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट सामान्य अवस्था में जुड़ा हुआ है, ओवरलोड होने पर ये ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रिप होगा हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और स्टार्टर बंद हो जाएगा। ये तो था आपका बोर्ड पर सर्किट डायग्राम। अब इसी सर्किट डायग्राम के आधार पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली हमारे पास में एक स्टार्टर है, एक स्टार्टर कम्प्टन कंपनी का, एक एलएनटी कंपनी का है, तो ये मैक्सिमम जो काम में आ रहे हैं एलएनटी कंपनी का। तो अपन इसमें देखें, इस स्टार्टर में अपन देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली ओवरलोड रिले किस टाइप की होती है, कॉन्टैक्टर कैसा होता है। ये जैसे आपने सर्किट डायग्राम जैसे बनाया वही सर्किट डायग्राम कंट्रोल डायग्राम आपको बनाना है, कंट्रोल डायग्राम आपको बनाना है इसके साथ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इसमें फिक्स हैं। और ओवरलोड रिले किस टाइप की होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये पूरा अपन प्रैक्टिकली इसमें देखते हैं। तो एक बार ये सर्किट डायग्राम आप अच्छी तरह देख लो, उसके बाद दिमाग में भी बिठा लेना है और पूरी थ्योरी इसकी एक बार देख के फिर आपको करना है प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी समझ लो, बस वही है, मेन कंट्रोल वायरिंग में एनवीसी कॉइल एक फेज सीधा, दूसरा आया ओवरलोड में गया, ओवरलोड से ऑफ में, ऑफ से ऑन में, और
कॉइल में और ऑन के पैरेलल में एक्सिलरी, सिंपल सा है, याद रह जाएगा। तो अब यहाँ देखें कि एक्सिलरी कहाँ है, ओवरलोड कहाँ है और इसको करेंगे कैसे, एनवीसी कॉइल कहाँ है, ये इसमें देखना है अपने को। जो ये सर्किट डायग्राम है इसका प्रैक्टिकल देखना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आते रहते हैं, मोटर चलती नहीं है, क्या हो गया, या जैसे बटन दबाते हैं मोटर चलती है और जैसे बटन हाथ हटा लेते हैं बटन से तो मशीन बंद हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम आ गई उसमें। अब थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया होगा, एक ड्यूल स्टार्टर है, जैसे किसी की कंप्लेन आई है ना, किसी एक जने की कंप्लेन आई है कि साहब ये ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, फिर जैसे ही हाथ हटाते हैं तो स्टार्टर ट्रिप हो बंद हो जाता है। कारण कौन सा पॉइंट इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, वो एक्सिलरी वाला, ये पत्ती जो खिसक गई होगी अंदर, या कॉन्टेक्ट बराबर नहीं बन रहे होंगे, या इसमें कहीं डस्ट आ गई होगी, अब वो आपको देखना है इसमें। तो ये छोटे मोटे जब फॉल्ट आते हैं तो आपको उसको रेक्टिफाई भी करना है। अब पहले एक बार इसको पूरा अच्छी तरह इसको देखें, आपका जो कवर वगैरह लगा हुआ है बाहर से, ये ऑन और ऑफ पुश बटन है, रेड जो है आपका ऑफ, ये ऑन का, ठीक है। ये कवर अलग कर दिया हमने, ये स्क्रू जो इसके साइड में थे खोल दिए, कवर अलग कर दिया। अभी इसमें मैंने कंट्रोल वायरिंग खोल दी है, आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए कंट्रोल वायरिंग मैंने सारी खोल रखी है। पहले तो इसके भाग आप अलग अलग अध्ययन करके देख लेवें। तो ये जो हिस्सा है ये आपका रिले वाला भाग है, ये रिले हैं और ये कॉन्टैक्टर वाला हिस्सा है, ये कॉन्टैक्टर जो रिले हैं, जो चित्र में जो एक रेजिस्टेंस बना के रखे थे, तीन रेजिस्टेंस है, तो वो ये रिले वाला पूरा हिस्सा इस टाइप का है। और इसी के साथ ऑन और ऑफ पुश बटन भी इसके साथ ही अटैच है। और ये आपका कॉन्टैक्टर वाला हिस्सा है, कॉन्टैक्टर मतलब ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया आपका, ये एक दो तीन, तो ये फेस के लिए, चौथा आपका एक्सिलरी हो गया, ठीक है। अब इसको अपन देखें कि रिले, सबसे जो महत्वपूर्ण जो रिले का जो काम है वो थ्री पे सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ से आगे जाती है, तो अपन इसको अलग कर दें यहाँ से, ठीक है। ये तीनों जो कॉन्टैक्टर और रिले जो जुड़ी हुई है इसको अपन अलग कर देते हैं, ये रिले का हिस्सा अलग हो गया। अब रिलों में ये आर वाई बी तीन तीन फेज आ रहे हैं और तीन यहाँ से इसका आउटपुट बनता है, ठीक है। अब रिले के अंदर होता क्या है ये आपको देखना है, रिले के अंदर क्या क्या होता है ये आपको देखना है, इसके अंदर क्या होता है आपको मैं पूरा ये ऑपरेशन करके बता रहा हूँ। जैसे ये कंपनी का आता है तो इसमें ये खोल नहीं सकते, बाकी अभी आपको देखना है अंदर क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसा इसके अंदर बना होता है, ये देखना है, और वर्किंग इसका कैसा है। तो ये देखने के लिए आपको ये रिले का इंटरनल पोर्शन आपको दिखा रहे हैं, और सब कंपनी के जो रिले की बनावट भी अलग अलग होगी। तो ये आपका रिले का पोर्शन हो गया, जिसके अंदर ये आपका ऑन पुश बटन है, ठीक है, ये ऑन पुश बटन है और ये आपका ऑफ पुश बटन है। अब ऑन और ऑफ कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पत्तियां दोनों मिली हुई हैं, जैसे ही आप दबाते हैं तो ये अलग हो रही है, हाथ हटाते ही क्लोज हो गया। तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो नाम होगा वो NC, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज सामान्य अवस्था में जुड़ा हुआ है, प्रेशर लगेगा तो अलग हो जाएगा, ये आपका ऑफ पुश बटन कहलाएगा। तो देख के आपको आइडिया लग गया, ऑन कौन सा है ऑफ कौन सा है, ऊपर लिखा हुआ नहीं है तब ये आइडिया लग जाएगा ना, ये दबा के देख लिया हाँ ये अलग हो रहा है, इसका मतलब ये ऑफ पुश बटन है, ठीक है। और इसको ये दबाएंगे तो ये पॉइंट मिलेंगे, इसमें ये स्प्रिंग का टेंशन थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो ये पॉइंट जैसे दबाने पर ये मिलते हैं और हटाने पर ये अलग हो जाता है, तो ये आपका ऑन पुश बटन हो गया। ये अब ये रिले हैं, इसके अंदर जो कॉइलें हैं, तीन रजिस्टेंस जो बता रखे हैं वो इसके अंदर हैं, जो किस टाइप की हैं वो भी खोल के देख लेते हैं अंदर। तो वो होती कैसे हैं, नाइक्रोम तार की जो होती है ना, वो तीन कॉइलें हैं नाइक्रोम तार की लगी रहती हैं इसमें। ये पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखा रहे हैं कि ये रिले जो है ना, इसके अंदर की जो बनावट कैसे होती है और इसका वर्किंग क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली पूरी वो देखें। तो ये
इसके अंदर ये आपका सिस्टम पूरा ये ओपन हो गया। हमारी सप्लाई यहाँ आती है, यहाँ अपन सप्लाई देते हैं जो इन कॉइल में से हो करके, और इसके पीछे एक टर्मिनल है, यहाँ ये टर्मिनल पीछे है, तो यहाँ से हो करके और इस टर्मिनल पे निकलेगा ये आर, आर वाई और बी, ये तीन, ये एक्सिलरी के लिए हो गया, ये आर वाई बी, ठीक है। हमारी करंट यहाँ आती है, यहाँ से इस कॉइल में से हो करके और एक दूसरा इसका कॉइल का जो एक सिरा था इसके साथ ब्रेजिंग करके शॉर्ट कर दिया, और इसका जो आउटपुट था वो इसके साथ जोड़ दिया है। तो ये इन दोनों की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। अगर मान लो कोई रिले सही है या नहीं है आपको चेक करना है, हो सकता है आपने थ्री फेज सप्लाई यहाँ तो दी लेकिन यहाँ आकर के तीन फेज नहीं मिल रहे हैं, तो एकाध कॉइल इसमें से जली हुई भी मिल सकती है, कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए तो आपको चेक करना है। तो यहाँ और यहाँ कंटिन्यूटी देख लेना, तो ये कॉइल बराबर है या नहीं है, तो ये आप देख लेवें। अब इसका वर्किंग जब सामान्य अवस्था में ये इस कंडीशन में रहेगी, इसमें द्विधातु पत्ती, ये बायमेटलिक पत्ती है और ये तो नाइक्रोम का तार हो गया, ये नॉर्मल करंट होने पर ये गर्म नहीं होगा, निर्धारित करंट से अधिक करंट जाए तो ये गर्म होगा, गर्म होकर के ये जो बायमेटलिक स्ट्रिप है ये मुड़ जाती है। तो जैसे ये मुड़ेगी, मैं अभी ये मोड़ के बताता हूँ इसको, आप जैसे ये मूवमेंट करे, ये ऐसे मूवमेंट करेगी इसको, तो ये मूवमेंट में होगा ऐसे, तो ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट, ये ट्रिप हो गया। तो ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट और ऑफ पुश बटन दोनों एक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों सीरीज में ही होते हैं, तो उसका काम दोनों काटना ही है, सप्लाई को काटना, सप्लाई काट देगा ये। तो अभी जैसे ही ये ओवरलोड हुआ, मतलब ये मूवमेंट हुआ इसका, ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ, तो इसके साथ हमने एक मैकेनिज्म लगा दिया, ऐसा कुछ सिस्टम लगा दिया जिस सिस्टम के कारण ये सीधा जो पत्ती है वो इसकी ट्रिप हो गई, तो ये कंडीशन होगी ओवरलोड ट्रिप अवस्था। ये अभी जो अवस्था है ये ऐसे दबाया तो ये ओवरलोड ट्रिप हो गया। ये कब होता है, जब मोटर में कोई खराबी आ जाए, मोटर शॉर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, कोई ना कोई मोटर के अंदर प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा करंट लेगी, तो ये ट्रिप होगा। अब फिर आपको वापस रीसेट करना, रीसेट करने के लिए अब क्या करेंगे, इस ऑफ पुश बटन को ही दोबारा दबा दो, ठीक है, थोड़ी देर ठंडा होने दो, ये पत्ती नॉर्मल हो जाए, उसके बाद इसको दोबारा ऐसे प्रेस कर दो, ऑफ वाला ही कोई, तो ये अपनी अवस्था में वापस आ गया। इसको अपन बोलते हैं रीसेट, वापस पुनः उसको सेट करना, रीसेट अवस्था ये हो गई। देख लिया आपने, ये रीसेट हो गया वापस। एक बार फिर से देखना तो देख लेते हैं ओवरलोड ट्रिप कैसे होगा। ये जैसे ओवरलोड हुआ, इसमें ज़्यादा करंट गई और ये मुड़ गया, ये ऐसे मूवमेंट हुआ तो ये ट्रिप मार गई मोटर, तीसों कहते हैं मोटर को ट्रिपिंग होना। रीसेट करने के लिए आप थोड़ी देर ठंडा हो गया, ये नॉर्मल अवस्था आ गया, तो इसको अपने रीसेट कर दिया, तो रीसेट करने से ये वापस हो गया, ठीक है। तो ये रिले का फंक्शन आपको कंप्लीट मालूम पड़ गया। अब इसके ये ऑफ के जो टर्मिनल पॉइंट है ये दोनों रहे, ऑफ के ये दोनों टर्मिनल हैं, आपको आगे की जो वायरिंग करनी है, ये ऑफ के दो टर्मिनल और ऑन के दो टर्मिनल ये हैं, ऑन के दो और ऑफ के दो, ये दोनों टर्मिनल हो गए। सप्लाई के तीन तार यहाँ से ए आर वाई बी तीन इधर आ रहे हैं और तीनों ये यहाँ जा रहे हैं, और ये ऑन का जो एक एक्सिलरी के साथ जो पैरेलल में जोड़ना है, तो वो एक सिरा जो है ना ऑन का, ये वाला जो पॉइंट है वो सीधा इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको इसमें इसको फिटिंग कर दें वापस, फिटिंग करके और आगे की जो वायरिंग आपको करनी है वो ओपन करते हैं। ये स्क्रू लगा दो एक बार, इसको लगा के इसे फिटिंग कर दो। दूसरी चीज़ अपने को देखनी है कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर में ये अवस्था होती है, ये मूवमेंट हो रहा है, ये एक दो तीन फिक्स कॉन्टैक्ट, चौथा ये एक्सिलरी का, ये तीन तो फिक्स हो गए और ये मूवमेंट वाला है, और तीनों की सप्लाई यहाँ, जब ये पत्तियाँ इसकी ऑन अवस्था में ये मैग्नेट बनेगा तो ये चिपक जाएगा ऐसे, तो चालू रहेगी ये। अब कई बार क्या होता है कि इसमें खराबियाँ क्या क्या आती हैं, जनरल डीओएल स्टार्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बार बार ऑपरेट होने से इसमें कार्बन जम जाता है, और कार्बन इस मूविंग कॉन्टैक्ट के ऊपर जमता है, और उसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, इसका ये यहाँ से आपको उसको खोलना है, ये खोल करके इस प्लंजर को अपन बाहर निकाल लेते हैं,
ये कॉन्टैक्टर जो है, इस प्लंजर को अपन बाहर निकालते हैं, ये प्लंजर बाहर निकल गया। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इसको आप साफ करने, इसको साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कार्बन साफ करते हैं इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, या एक एकदम जीरो नंबर का जो एमरी पेपर होगा, ज़्यादा खरोच नहीं लग जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो चांदी की एक परत होती है, तांबे के साथ साथ चांदी की परत, क्योंकि बार बार ऑपरेट करना है तो इसके ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कभी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते, ये रिप्लेस करते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के। ये आपको जनरली आपको इंडस्ट्रीज में, आप इलेक्ट्रिशियन बन के जिस पोस्ट पे जाएंगे तो फिर वो आपको ये मेंटेनेंस का काम करना है, तो इसमें ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको बदलने हैं। कभी जैसे काम नहीं करे तो ये NVC कोयल, अगर मान लो ख़राब होगी तो NVC कोयल ये यहाँ से अलग हो जाएगी, ये NVC कोयल है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कहीं जंग आ जाए तो कभी स्टार्टर आवाज़ करता रहता है पूरी तरह, ये चिपकता नहीं है, ये कोर जो है इसकी, ये कोर में डस्ट वगैरह आ गई, ये जंग आ गया तो ये पूरी तरह इसके साथ चिपकेगा नहीं, बीच में एयर आ गई, मिट्टी आ गई, तो ये आवाज़ वाइब्रेट करता रहेगा और आवाज़ करता रहेगा। तो इसकी सफाई वफाई करके ना ये थोड़ा मेंटेनेंस भी आपको करनी है, तो ड्यूल स्टार्ट की मेंटेनेंस इस टाइप से होगी। तो ये कॉइल अगर मान लो ख़राब होगी तो बदल देनी है, ये सीधा यहाँ से ये ऐसे खिसका के आगे निकल जाएगी, इसमें दो पत्तियाँ हैं, इसको ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगी, और आप नई कॉइल लाओ और प्रेस फिट करके इसमें फिट कर दो, साइड में ये पत्ती थोड़ा सा इसको लॉकिंग कर दो। तो ये, और ये कॉन्टैक्ट में कभी इसमें भी कार्बन वगैरह आ जाता है तो इसको भी आप साफ करें ना, थोड़ा ब्लोअर या हवा मार के इसको वापस फिटिंग कर दो, ठीक है। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट ये देख लिए, इसको प्लंजर भी कहते हैं, तो कहीं कहीं आपके बुक के अंदर इसे प्लंजर लिखा होगा। तो ये आपका स्टार्टर हो गया, तो इसको वापस आप फिट करें और पूरी तरह ये मूवमेंट करके देख ले मैं। और ये मूवमेंट करने के बाद ये भी देखते हैं कि इसकी जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट में जो पत्तियां हैं और ये फिक्स कॉन्टैक्ट के बराबर लेवल में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ये मूविंग कॉन्टैक्ट की पत्ती थोड़ी खिसक गई हो, इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है, ये कॉन्टैक्टर की जो पत्ती है थोड़ी खिसक गई, मान लो इस तरह पर थोड़ा दब गया, तो एक तरफ कॉन्टैक्ट और एक तरफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो आपके ये भी चलेगा नहीं। तब ये कॉन्टैक्टर आप अच्छी तरह साफ करके ये देख लिया, उसके बाद ये जो रिले हैं, रिले भी अपन जोड़ ही देते हैं वापस, है ना, ये रिले अपन लगा देते हैं। ये आपकी ये रिले, इनको वापस टाइट कर दो, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग, सबसे पहला कंट्रोल वायरिंग आपको करनी है। कंट्रोल वायरिंग में जो अपनों ने अभी बोर्ड पे जो सर्किट डायग्राम आपने पढ़ा है, सर्किट डायग्राम जैसे पढ़ा है, उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक फेज सीधा का सीधा आपको NVC कॉइल में देना है। तो एक फेज यहाँ से एक फेज लेकर के आप सीधा कॉइल को देना है, तो इतना वायर लेकर के आपको काटना है। ये वायर जैसे लिया आपने, ये काटा, वायर स्ट्रिपर था कि नहीं था, ये आप पहले एक बार, है ना, एक फेस सीधा जो सर्किट डायग्राम में जो है आपका, एक फेस तो डायरेक्ट कॉइल को देना है, और सप्लाई साइड आपकी की कहाँ होगी, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई आपको देना है। तो एक फेज हम सीधा यहाँ से आपको ये लेना है, तो ये एक फेज सीधा लिया है, आप चाहे तो इस साइड से ले लो, चाहे इस साइड से ले लो, ले करके और NVC कॉइल को देना है, ठीक है। ये NVC कॉइल को देना है आपको, NVC कॉइल दिख जाएगा, दिख रहा है, हैं? तो हमने जो है वो एक फेज सीधा NVC कॉइल को दे दिया। दूसरा वाला जो जाता है वो ऑफ में, ऑफ से जो ओवरलोड और ऑफ एक ही है, इसमें आप लोगों ने देखा ना ओवरलोड और ऑफ एक ही है। अब इसमें ओवरलोड और ऑफ कौन सा था, अभी जैसे मान लो भूल गए अपन, तो आपको मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर लेना है, जो पॉइंट मिले हुए होंगे वो आपका ऑन का होगा, है ना। तो अभी
ये पॉइंट जो है ये तो ये मिले हुए हैं, ये आपको दबाने पर अलग हो जाता है, ये मिले हुए हैं, इसका मतलब ये आपका ऑफ का है। तो दूसरा वाला जो फेज आएगा वो ऑफ में जाएगा, तो आप एक टुकड़ा यहाँ से लो जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरा, आपको नए सिरे से वायरिंग करनी है, ठीक है, ये सब एक बार भी जोड़ के ना मैं हटा लूँगा, आपको बारी बारी से अभ्यास करना है, तब जा कर के ना आपकी ये DOL की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है तो ये नए वायर आप काट के लेंगे, नए सिरे से सारे खोल देंगे, एक बार बारी बारी से सभी को ये करना है। दूसरा फेज़ जैसे आपने लिया है ना, दूसरा फेज आया आपके ऑफ में, है ना, ये आपके ऑफ पुश बटन में आ जाएगा ये, ठीक है, ऑफ से निकल के ऑन में जाएगा, तो ये ऑफ से जो निकलेगा वो ऑन में, तो आपको ये ऑफ से ऑन में, सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये जो क्रम है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, इसकी ये फिनिशिंग आप कर लेना। मैं अभी एक रफली बता रहा हूँ आपको कि ये ऑफ से निकल के ऑन में, ये ऑन पुश बटन था, ठीक है, ऑन पुश बटन जैसे आपको टेस्ट करना है तो ये देख लेवे, ये दबा के आ रहा है कंटिन्यूटी, ये हट रही है, ठीक है, ये ऑन पुश बटन था आपका, तो ये ऑफ से निकल के ऑन में, अब ऑन से निकल करके और कॉइल में, है ना, अब ऑन से निकल करके कॉइल में डालना है, तो ये ऑन से निकल करके फिर कॉइल में, तब यहाँ से एक तार निकालो आप और वो निकाल करके आप ऐसे करके इस कॉइल में इस साइड से ले लो, चाहो तो आप इधर से निकाल के ले लेना, कैसे भी करके इस टर्मिनल पे आपको पहुंचाना है, ठीक है, ऑन से निकल करके अब इतना वायर ले लो ऐसे करके, ये ध्यान रहे कि लेकिन ये बीच में ये फंस नहीं जाए, नहीं तो फिर बाद में ये ऑफ ही नहीं होगा, वो चिपका हुआ रह जाएगा। वायरिंग आप कंट्रोल वायरिंग करें तो थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि स्टार्टर को मूवमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह दे देना इसको, है ना, ये पर्याप्त मात्रा में, ऐसे ऐसा नहीं कि आप वायर इतना टाइट करके नहीं इसको पहले ही दबा दो तो ये ऑफ ही नहीं हो, है ना, तो ये आपने जो कंट्रोल वायरिंग तो करी लेकिन वायरिंग इस प्रकार से ऐसे घुमा करके ले ली कि इसको ऊपर वायरिंग तो सब कुछ सही है लेकिन बंद ही नहीं हो रहा, अरे भाई तुम्हारा ये वायर तो यहाँ चिपका हुआ है, ये वायर के लिए जगह दोगे तो ये कॉन्ट्रेक्टर नीचे गिरेगा ना, तो ये भी थोड़ा सा होना चाहिए कि आप यहाँ से लेकर के नहीं इसको आप देने जा रहे हैं तो थोड़ा जगह भी उस ढंग से बना के रखो, ये चाहो तो आप इसके साइड में से ऐसे करके और यहाँ तक पहुँचा दो, लेना था आपको यहीं से, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है आपको, है ना, ऑन से निकल करके। अभी जो आपने वायरिंग कर दी तो ये कंट्रोल वायरिंग आपकी हो गई, ठीक है, पावर वायरिंग तो सीधी आपको सीधी सप्लाई से जुड़ी जाती है, मेन जो समस्या आपकी सिर्फ कंट्रोल की ही है, तो ये कंट्रोल में आपकी कंट्रोल वायरिंग, इसकी ड्रेसिंग वगैरह सही ढंग से कर लेना, ठीक है, उसके बाद फिर आपको टेस्ट भी करना है, सिंगल फेज सप्लाई दे देना यहाँ, सिंगल फेज अभी फिलहाल 220 पे तो स्टार्ट तो हो ही जाएगा ये, है ना, बाकी 440 वोल्ट आपको देने थे लेकिन अभी आप 220 से भी काम चल जाएगा, तो ये आपका हो गया। तो अपना जो क्रम है, एक फेज़ आया सीधा ऑन में गया, ऑन से ऑफ में गया, ऑफ से निकल के ऑन में, ऑन से निकल करके और NVC कॉइल में, अब इस ऑन के पैरेलल में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के दो पॉइंट है, ये RYB 3 तो सप्लाई के हो गए, ये मोटर के हो गए, ये तीन सप्लाई यहाँ, मोटर के तार यहाँ, ये तीनों मोटर के जाने वाले, अब ये आपका एक्सिलरी है, एक्सिलरी इसके पैरेलल देना है आपको, एक्सिलरी पैरेलल में देना है, इसका मतलब
ये ऑन के पैरेलल में, अब ये वाला इसके साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसके दूसरे साइड में ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये एक पॉइंट जो है वो इंटरनली यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये इंटरनली जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ से एक तार इसको जोड़ना है, तो ये ऑन के पैरेलल में ये जो जोड़ने जा रहे हैं अपन, ऑन के पैरेलल में एक्सिलरी, अगर ये आप नहीं जोड़ेंगे तो ऑन पुश बटन जैसे आपने दबाई स्टार्टर ऑपरेट होगा, हाथ हटाते ही बंद हो जाएगा, अगर ये वायर निकल गया तो। ये जोड़ दिया तो दबाया फिर स्टार्टर ऑन हो जाएगा, ऑफ करने से ऑफ हो जाएगा। तो ये इतना सा टुकड़ा आपको ये यहाँ जोड़ना है, जो आपको ये इसके पैरेलल, ऑन के पैरेलल एक्सिलरी, तो आप ये जो तार जोड़ने जा रहे हैं ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का वायरिंग डायग्राम, ठीक है, ये आपका कंट्रोल वायरिंग हो जाएगा, ये ऑन के पैरेलल में, ऑन के पैरेलल हो गया, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए था, ये एक्सिलरी जो है एक पॉइंट तो ये आया एक्सिलरी का, दिख रहा है एक पॉइंट ये आया, इस एक्सिलरी का दूसरा पॉइंट कहाँ है, इसके नीचे की तरफ, जो उसका एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये ऊपर जो है ना, ये कॉन्टैक्ट ये रहा, दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ नीचे है, ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको टेस्ट करेंगे, सप्लाई के दो तार लगाओ, दो तार भले ये फैला लो, दो सप्लाई फेज और न्यूट्रल यहाँ लगाओ, इसको ऑन करो फिर ऑफ करके एक बार इस पर टेस्टिंग कर लेते हैं। और ये इसमें जो दे रखा है ना, सप्लाई के दो तार देते ना, और ये रिले सेटिंग का है, इसमें ये लिखा है 9, 12 और 14, ये लिखा गया है 9, 12, 14, ये ओवरलोड रिले हैं 9 से 14, ये जो मार्केट में जो मिलती है 0 अपने ये 6 की 15 की 14 की, तैसे ये 9 से 14 ये कहना पड़ेगा, तो इस टाइप की रिले मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है आप इसकी मोटर, इस पर कौन सी मोटर चला रहे हो, उसको कितने एम्पियर लेगी, 5 हॉर्स पावर की मोटर है तो 7.5 एम्पियर लेगी, तो उसको 7-8 पे करके 9 पे करके रखना पड़ेगा, और बड़ी मोटर है 7.5 की तो उसको 12 पे करके रखना पड़ेगा। तो ये जो सेटिंग है ये मोटर के हॉर्स पावर पर डिपेंड करता है, तो कौन सी मोटर आप लगाने जा रहे हैं और इस स्टार्टर को किस मोटर पर लगा रहे हैं, तो उस आधार पर ये रिले की सेटिंग होती है। तो ये रिले की सेटिंग अभी आप कुछ भी नहीं लगा रहे, केवल टेस्ट करना है, तो अभी आप कैसे भी रख लो, बाकी ये जो सेटिंग है ये उसकी रेंज पर डिपेंड करती है कि मोटर आप कौन सी काम में लग, कौन सी मोटर इस पर लग रहा है। तो अब आप इसको दोनों सप्लाई के तार दो और ऑन ऑफ करके टेस्ट करो, ठीक है। अभी आप ये NVC कोइल कितने की है, 440 वोल्ट की, और आप कितनी सप्लाई दे रहे हो, 220, जस्ट इसका आधा दे रहे हो, है ना। तो अभी अपन जैसे इसको चालू करें, अब इतना जोर है ना, तो ये अभी ऑन कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये कम मैग्नेट बन रहा है, थोड़ी आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि आपने वोल्टेज प्रॉपर दिए नहीं है इसको, है ना। अगर अपन इसमें 220 की कॉइल लगा देते तो ये आराम से ये आवाज़ वगैरह होती नहीं। अभी आप इसको 440 दो, दो फेज दे दो, 440 वोल्ट दो, तो ये आवाज़ वगैरह नहीं आएगी, है ना। ये अभी जो प्रॉपर कर देते से, ठीक है। तो ये आपकी वायरिंग टेस्टेड, ओके, ये कंट्रोल वायरिंग आपने देख ली।